चलो देखो, एक एनसीईआरटी किताब है, इसका प्रश्नावली 8.3 का 6वां सवाल है। सवाल कहता है, साइन ब्रैकेट में बी प्लस सी बट्टे 2 बराबर कॉस ए बट्टे 2, यही है ना? ये हमको इसके बराबर दिखाना है ना। पहले नहीं आता उड़े चले। अच्छा, कह रहा है ए बी सी किसी त्रिभुज के अंतः कोण है। वैसे क्योंकि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है, अच्छा, तो इसलिए इनका योग बराबर 360 है। 180। अच्छा चलो, खुशी की बात है, तो इनका योग बराबर 180 है। तो ये ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 हो गया ना। तो अब देखो, हमको जो सिद्ध करना था सवाल, साइन के कोष्ठक में बी प्लस सी दिख रहा है। क्या दिख रहा है जी? बी प्लस सी। तो हम कहे ना बी प्लस सी को यार रोक ले और ए को पक्षांतर कर दे, ये और खुशी की बात हो गई। इससे मिल गया हमको समीकरण नंबर। अब जहां सिद्ध करना है वहां चले चलते हैं। हो गया। अब सिद्ध क्या करना है इसकी तरफ देखते हैं। साइन ब्रैकेट में बी प्लस सी बट्टे 2 बराबर कॉस ए बट्टे 2। अच्छा, तो यल या चेस ले लेते हैं। क्या है जी यल या चेस? बी प्लस सी बट्टे 2 है। तो जब बी प्लस सी बट्टे 2 है तो समीकरण 1 लगा देते हैं, और जब समीकरण 1 लगाते हैं तो क्या मिल जाता है? जहां बी प्लस सी है वहां 180 माइनस ए हो जाता है, और बट्टे क्या हो जाएगा जी? अंत बट्टे हर तोड़ने का नियम तो जानते ही हो। क्या जानते हो? एक बार इसका बट्टे लिखेंगे और एक बार इसके बट्टे लिखेंगे, और दोनों के बट्टे हर पूरा लिखना है, अर्थात 2 ही लिखना है। लिखना है ना? तो अब देखो हो क्या गया जी, साइन 180 2 से कट गया कितनी बार में? 90 अंश माइनस ए बट्टे 2। तो कौन सूत्र दिख गया? किसका सूत्र दिखा जी? साइन 90 माइनस थीटा, हमने कहा था ना थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है। तो चूंकि हमने पढ़ा था साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या जी? क्या पढ़े थे? साइन 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा पहले में है इसलिए सब प्लस रहेगा रहेगा, और उसके बाद तुम्हारा साइन 90 से जुड़ा है इसलिए किसमें बदल जाएगा और क्या लग जाएगा? तनिक देख लो, साइन 90 से जुड़ा है किसमें बदल गया? जहाँ थीटा है वहाँ क्या दिख रहा है? उत्तर वो हमारा आ गया कॉस ए बट्टे 2। दिखाई दे रहा है ना? ये किसके बराबर है? अरे अच्छा सिद्ध हो गया, और खुशी की बात हो गई। नोट कर लो, तीस नंबर। अच्छा, बीस नंबर। बीस से पहले जो किसी कोई बारह बार 13 13 बार 14 उसके बाद 14 बार 15 बार
ठीक है ना। 18 नंबर, पहले 12 बताए, पहले 18 बताए। चलो देखो 12वां कह रहा है जी, 5 35 / sin 55 प्लस साइन 11 / cos 79 को पता था, इसमें आधे लोग कंफ्यूज रहते हैं। उसके बाद माइनस लगा cos 28 इंटू कौशिक 62, इसके बराबर एक ले आना है जी। तो समझ लो हम LHS हल कर रहे हैं, समझोगे क्या हम लिख देते हैं, लिखने के बाद तो समझ भी नहीं करते, इसे क्या समझोगे। चलो अब देखो हल करना है इसको, इसमें एक cos है दूसरा sin है, इसमें एक sin है दूसरा cos है, ये cos है और ये कौशिक है, ठीक है ना। तो अब देखो अगर इस cos को विचलन करा दे तो sin में बदल जाएगा, sin को विचलन करा दे तो cos में बदल जाएगा, तो ये दोनों कट जाएंगे, कट जाएंगे ना। और इसमें cosec को विचलन कराएंगे तो cos को विचलन कराएंगे तो sin आएगा, आएगा ना। और ये जो cosec है किसका उल्टा होता है, cosec से का उल्टा होता है, cosec sin का उल्टा होता है, तो इसको उल्टा कर दोगे तो 1 / साइन हो जाएगा और कॉस बदल के साइन में आ जाएगा, मतलब ये भी कट जाएगा, कटेगा ना, तो तीनों कट जाएंगे, मतलब एक एक का विचलन कराना है। तो विचलन कितने विचलन में कराते हैं जी, 180 से 90 270 से, अच्छी बात है। पहले चतुर्थांश में तो पहले चतुर्थांश का विचलन खाली 90 से होता है ना, पहले चतुर्थांश का 90 माइनस थीटा होता है ना, 270 तो चला जाता है तीसरे और चौथे में, हम पहले चतुर्थांश में कहां 270 से कराएंगे इसका। तो cos 35 को क्या लिख सकते हैं, 90 - 55 और नीचे sin 55 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं जी, sin 90 - 69 और नीचे cos 79 माइनस, इसमें cos को लिख दो 90 - 62 और ये cosec 62 हो गया ना। तब क्या करें, सूत्र लिखने पहले cos 90 - थीटा बराबर क्या सूत्र जानते हैं हम लोग, ये 90 से जुड़ा इसलिए बदल जाएगा साइन में और सामने क्या लगा देंगे, ऐसे ही साइन 90 - थीटा बराबर जी कॉस थीटा हो गया ना। फिर एक तो कॉसेक भी है, कॉसेक किसका उल्टा होता है जी, अगर कॉसेक थीटा है तो उसको हम 1 / क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं। तो इतने का हमको प्रयोग कर लेना है, cos 90 से जुड़ा है इसलिए किसमें बदल गया, 90 छूट गया, कितना बच गया 55, उस समय sin बदल गया cos में, नहीं बदलेगा, क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि उसका विचलन नहीं कराए है, नहीं तो ज्यादा खुश हो जाओ तो उसके बाद दोनों बदल दो, cos 79 / cos 79 माइनस ये cos फिर 90 से जुड़ा है इसलिए किसमें बदलेगा, sin में बदलेगा और 62 अंश, ठीक उसी समय जो cosec था उसको 1 / sin 62 लिख सकते हो, सब कट गए मतलब 0 आ गया, आए 0 आएगा कि 1 जी, पहले ये 1 आएगा क्योंकि गुणा भाग में कटा हुआ है, ये भी 1 आएगा और ये -1 आएगा, तो ये 1 से 1 कट जाएगा और केवल क्या बचेगा, 1 बराबर RHS प्रूफ, खुश हो जाओ कि उत्तर आ गया।
जब देख लिए तो अपने आप ही पता लग गया था किसको कराना है, चाहे ऊपर वाले कराओ चाहे नीचे वाले कराओ, चाहे दाएं वाले कराओ चाहे बाएं वाले कराओ, जिसका चाहो उसी का करा लो, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। सवाल नंबर 13 में ऊपर 36 अंश दिख रहा है, नीचे 54 अंश दिख रहा है ना, तो 36 का विचलन करा लो, 54 आता है ना, तो ऊपर दोनों का विचलन करा दो, नीचे का नहीं कराओ, ठीक है ना, दोनों 54 में बदल जाएंगे और कट जाएगा ऊपर नीचे पूरा एक का ही था, कटने पर क्या आएगा, एक आएगा, एक प्लस एक मत कर लेना जो उसमें, मतलब ऐसे कटेगा ना, ये cos 54 आएगा ऊपर और प्लस ये sin 54 आएगा और नीचे भी तो वही है cos 54 प्लस sin 54, तो ऐसे नहीं काट देना, तो काट दो एक प्लस एक मतलब दो आ गया, ठीक है ना, नहीं तो आधे लोग ऐसे भी करेंगे, कट गया एक एक ऊपर आया एक एक नीचे आया, तो कहेंगे दो प्लस दो कट गया, हाँ उत्तर एक सही आया है, लेकिन ये गलत है, उत्तर तो एक सही आ गया लेकिन गलत है ये, ठीक है ना, कटेगा तो पूरा एक के साथ कटेगा, मतलब पूरे को एक साथ काटना है, ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे, तब एक बच्चे का बराबर एक उत्तर आएगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिए रहना, 13 ऐसे ही लगाना है, 14 भी ऐसे ही लगाना है, 14 में देखो दोनों भिन्नों ही अलग अलग है, ऐसे एकदम सिंपल है, साइन को बदल दो कॉस में, कॉस को बदल दो किसमें, मतलब पहले वाले को साइन को कॉस में बदल दो और दूसरे वाले में कॉस को किसमें बदल दो, साइन में बदल दो, विचलन करा दोनों कट जाएगा, एक ही आ जाएगा तो हो जाएगा। 15 नंबर भी वही है सवाल, वाला है तो लगता है क्या दोनों का विचरण करा दो, 67 का विचरण कराओगे तो 23 आएगा और तुम्हारा 75 का विचरण कराओगे 15 आएगा, वही उत्तर होगा, समझ गए ना, जैसे ये वाला सवाल था 0-30 के बीच वाला सवाल नंबर 11 वैसे सवाल नंबर 16 है, बस विचलन करा छोड़ देना, कोई मानो नहीं रखता उसमें कटेगा पिटेगा नहीं, ध्यान दिए ना, उसमें कटेगा नहीं, खाली विचलन करा छोड़ देना है बस, यार तरफ गिनती दिख रही है गिनती छोड़ देना, पांच सामने दिख रहा है पांच छोड़ दो, वैसे पांच सेकंड में तो ही नहीं है, ये दिमाग लो इधर देखो, ये तुम्हारा आता है सवाल कि 5 साइन 17 अंश बटे कॉस 73 अंश, तो 5 को 5 ही रहने दो, इसको लिखो साइन 90 माइनस 73 और बटे कॉस 73, तो देखो 5 है साइन 90 माइनस 73, 90 जुड़ा है किसमें बदल जाएगा जी, और 90 छूट गया ना जैसे साइन को कॉस में बदले, और केवल क्या बच गया 73 बच गया, और नीचे पहले से कॉस 73 है, दोनों कट गया बराबर केवल क्या आ गया 5 आ गया, तो संख्या वाला सबको कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, संख्या छोड़ते जाओ इनको काटते जाओ, इसमें अरे तीन भिन्न अलग अलग है, तीनों पर आना है, अरे क्यों अलग अलग है, मूर्खो क्या बीच में प्लस माइनस नहीं लगा हुआ है, ए भाई यही सवाल बताए यही तो है और क्या है, एक भिन्न दो भिन्न तीन तो इसमें है कि नहीं है, तो तीनों विचलन कराए नहीं कराए, इसका विचलन ये खाना खाए तो उसको इससे कौन मतलब है, तीनों विचलन करा रहे ना, तो वैसे ही इसमें भी तीन को है, एक में 5 साइन 17 है, दूसरे में 2 का 31 है, तीसरे में 6 साइन 30 है, साइन 80 है कि नहीं है, तो सबका कराना है, तीनों का अलग अलग अपना होगा, उसमें देखो पहले में कट गया तो 5 आया, कुल एक का हिसाब लिख के कराना तुम लोग, हम एक का बताया एक का हिसाब लिख, जैसे इसमें एक हिसाब कराए सबका ना, वैसे एक हिसाब कराना है, पहले में 5 आएगा, दूसरे में 2 आएगा और तीसरे में 6 आएगा, 5 तो 7, 7 में 6 गया, एक उत्तर एक आएगा इसका, उसके बाद 18 वाला तो लगा ही सकते हो, कौन सा स्क्वायर लग गया, इसमें कौन सी खुशी बात है, है?
अरे कुछ नहीं लगेगा, बस विचलन खराब कर दिया अपने आप ही। अभी कल एक कोई स्क्वायर वाले विचलन कराया नहीं थे, जब विचलन कराया तो बड़ा पोस्टर लगा के उसके ऊपर स्क्वायर चला गया था, तो बस वही है। पंद्रह दिन तो तुम लोग त्रिमूर्ति पढ़ रहे हो, हम सोचे कि तीन दिन में खत्म करने के लिए तुम लोग पंद्रह दिन से पढ़ रहे हो विधि को। क्या नहीं पंद्रह क्यों है? अब इससे आसान काम मिलेगा, क्या चाहते हो जोड़ घटाना मिले तुमको? जोड़ घटाना चाहिए फिर से पांच मिनट एडमिशन करवा दो। चलो देखो इधर सवाल नंबर 18 का तीसरा किताब है मनोहर की, तुम लोग की किताब खुली है? अब तुम्हारी किताब में तुम्हारे मित्र का नाम लिखे उसकी किताब हो जाएगी। देखो इधर सवाल है साइन स्क्वायर 65 अंश प्लस 65-63 से कौन मतलब है, साइन स्क्वायर का उत्तर गलत नहीं आएगा, हम इसे नीचे वाला बदल लेते तब ना। कॉस स्क्वायर 17-27 क्या बधा है वो तो 17 ही है। और ये कॉस स्क्वायर 73। अच्छा ठीक है, सर्वसमिका लगेगी इसमें। देखो अभी जैसे पिछले सवाल में हमने बताया कि ऊपर वाले का दोनों का विचलन करा दो नीचे वाले कट जाएगा, इसमें अगर ऊपर वाले दोनों विचलन कराए 63 का कराने 27 आता है, तो इसका इसमें है कोई 27 नहीं, मतलब ऊपर दोनों का करा दे तो नीचे दोनों नहीं आने वाला है, कोई फायदा नहीं, इसलिए ऊपर नीचे दोनों में एक एक का कराओ, ठीक है ना? ऊपर नीचे दोनों में एक एक का विचलन कराओ, तो अंशवाहर में एक एक का विचलन करने पर इसमें देखो साइन 63 वाले का किया जाए तो क्या लिखोगे जी इसको? 90 माइनस, और इसका ऐसे बड़ा कोष्ठक लगा के क्या, और इसको छोड़ दो एक कई का करो, क्योंकि देखो ये भी 27 में बदल रहा है, कम से कम बराबर तो पहुंच जाए, ऐसे ही इसका कराओ। कॉस है जी, ठीक है ना? क्या करेंगे 90-73, ये भी देखो उसमें बदल रहा है दूसरे में, तो इसका ऊपर वर्ग लगा है और प्लस साइन कॉस है कॉस स्क्वायर 73। अब डायरेक्ट कर दें इसमें साइन 90-थीटा, साइन 90 से जुड़ा है किसमें बदल जाएगा जी? कॉस में, और कितना बच जाएगा सामने, और स्क्वायर लगा है ना तो स्क्वायर ऊपर लग गया, और प्लस साइन स्क्वायर 27 बटे ये कॉस बदल गया 90 जुड़ा है तो किसमें, और स्क्वायर 73 बच गया इसका खाली, स्क्वायर ऊपर लगा था इसलिए लगाए थे, और प्लस ये क्या बचा कॉस स्क्वायर 73 लग गई सर्वसमिका। क्या लगी जी सर्वसमिका? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या जानते हो? एक। तो ऊपर तो वही दिख रहा है ना, देखो इसको ऐसे बदल लो, पहले साइन वाला लिख दो और फिर कॉस वाला, क्यों ऐसे जी? प्लस में है तो कोई फर्क पड़ता है क्या आगे पीछे कर ले तो? नहीं। तो इसमें देखो क्या हो गया, इधर नीचे वाला तो वैसे ही है हो गया ना, देखो इसको इधर लगाने के बाद इधर लगाना, ठीक है यहाँ तक लग जाएगा फिर इधर शुरू करना,
साइन स्क्वायर 73 है, अच्छा ठीक है तब, प्लस कॉस स्क्वायर, देखो ऊपर सर्व समीकरण से इसका मान क्या हो गया, क्यों जी, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक, थीटा की जगह क्या दिख रहा है ऊपर 27 और नीचे थीटा की जगह क्या दिख रहा है, दोनों सेम सेम है ना, साइन स्क्वायर भी है कॉस स्क्वायर भी है, बीच में क्या लगा है तो एक बटे मतलब एक आ गया, ये उत्तर है बस, नोट कर लो जल्दी। इसके बाद बोला इसको पता है, पूरा सवाल ही नहीं उतारते हो, चलो देखो नहीं मिला फिर से बता देते हैं। सवाल नंबर 19 कह रहा है tan a बराबर cot b, कह रहा है ना, अच्छी बात है, इधर tan है इधर cot है जी, दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या कर सकते हो, अगर दोनों तरफ tan होता तो कट जाता है या दोनों तरफ cot होता तो भी कट जाता, हम वही काम करेंगे क्योंकि हम जानते हैं tan 90 माइनस a मतलब थीटा कर दें, चलो tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा जी, याद करवा दे इसको, तो अगर थीटा बराबर a हो जाए मतलब जहां थीटा है वहां क्या हो जाए, तो tan 90 माइनस a, नहीं जी इधर cot b होगा ना, थीटा बराबर b कर लो, थीटा बराबर अगर b हो जाए तो tan 90 माइनस b बराबर cot b, निष्कर्ष हमारे पास ऊपर cot b है ना, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हो, tan 90 माइनस b लिख सकते हो ना, तो मान रखने पर तो इधर देखो tan a है और बराबर cot b जगह है उसकी जगह क्या लिख सकते हो, tan 90 माइनस जी tan से tan तो a बराबर 90 माइनस b, तो a प्लस b बराबर 90 अंश, ये हो गया हमारा प्रूफ। इसका दूसरा तरीका भी था जी, मान लीजिए माना a प्लस b बराबर 90 मान लिए ना, तो a बराबर tan लगाने पर मतलब दोनों के सामने tan लगा दो तो tan a हो जाता और इसके बाहर हो जाता tan 90 माइनस b हो जाता, जैसे काटे थे वैसे लगा दिए, अब tan 90 माइनस b का विचलन क्या हो जाएगा जी, 90 से जुड़ा है बदल गया cot में और सामने b लगाया, b लग गया देखो आ गया, दिखाई दे रहा है ना, दूसरा तरीका भी है, नोट कर लो जाऊन अच्छा लगे तो। खत्म, चलो तो कल से हाइट एंड डिस्टेंस शुरू करते हैं, बुधवार बृहस्पतिवार तब कल परसों हाइट एंड डिस्टेंस समाप्त हो जाना चाहिए। हाइट एंड डिस्टेंस से एक बड़ा सवाल मिलने वाला है तुमको एग्जाम में, 101 पर।